ओम रक्षरक्ष गणाध्यक्ष रक्षरेलो रक्ष भक्तानां भयंकर्ता त्राता भवभवनवा भयमातर कृपा सिंधु कांटमातु राज्य वरदस्तम परम देहि वांछितम वांछितार्थ भव बोले अनेन सफलेण अर्घेण वरदोस्तु फलदोस्तु कुशलोस्तु विजयोस्तु सदा मम दीली पलट दो विशेषार्घम समर्पयामि तद्रादौ हस्तो प्रक्षालनम् जगद्दिदाय नागाननाय जगपोषिताय गौरीजिताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्जना सर्पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुधाय सुरेश्वराय विद्याधराय प्रकटाय जपामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते तं वैष्णवी सखी अनंत बीजम परमात्माय सम्मोहितं देव प्रसन्नमेत त्वमे प्रसन्ना भयमुक्त हेतो शांताकारं भुजिशयनं पद्मनाभं सुरसंदेशाधारं निर्भरणं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवदानगम वंदे विष्णुभयानं सर्वोपनाथं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः मगर फूल ले लहा थे तमेव मानाय विदातुमेव त्वमेव बन्धो सखातमेव त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सशङ्खचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतभस्तं सरसीरुहे क्षणं सहारवक्षकर्दं नमां विष्णो शिरसा चतुर्भ्यां श्रीविष्णवे नमः अत्सदानपुद्गायां प्रारम्भ एकदानेन प्रपचुर्मन विसर्पेषु तम्पणाकं खलहोरिषु वाजवृन्दामांसि सिद्धिफलं सरोत्तमिज्ञामि किदल्चामामने नारदेव सम्पिष्टो भगवान् कमलापति स्वादुङ्गधया समाहिता एकदा नारदाजोगी भ्रातृगाच्या पैतृलोकानमाद तेनोपादुषानाथ भोस तथा सदना देव सौवर्णम तेजभुजम संख्यादेवनाथ श्री भगवान वाजयोके प्रथमसी महापुरणे स्वर्गी मध्यद्रम प्रभो श्री भगवान वाचा दुख शोकाधन धन्यान प्रवर्धम सुभाषम दक्षिणा सुक्ता जनै सह पदबंदी साधम सगृहम गच्छेदारेन्दम मुखारविन्देन विनिमेचयन्तम् अपटजपत्रजपुटिशयानम् बालमुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मदकटभारिणी राजनम् जगदीश रक्ष एक बार बोले बांके वृंदावन बिहारी लाल की जय विष्णु भगवान की जय चढ़ाइए वहां दूसरा फूल ले लीजिए अधान्य च संप्रवेक्षामि कृतं केन पुरादुजा काशीरधुरे रमेहासि विप्रो निर्द्र तङ्गभ्यां व्याघ्रर्धां भूते जग्दं प्राणप्रियं विद्वांसपजाद्यसोत्मज्ञानजासुन्यभ्रणविचर्चामये उपायं जनासि पिताकं मे प्रभो सत्नाडे स विष्णुमासि सिद्धर्न पूजनं पितस बन्धुवेद्यासो मानवाभिधानं हृदयमासि पिता सत्नाडेव स विद्यन्ते देते तथा वटं कस्यामि देवदिवाहि सदा वृत्ला लब्ध्वाना तत्त्वा अवसादयं जलस सद्य
तस्मिन् दिने विप्रमसिरोनादरदेनजाजेजोगासरदोविमर्दाजीउससेवरावदतदोमदिमासीमासविदेनारदायकेसरतम्बर्तमसिविनासंगदेतास्माजंबेप्रानंगिरुदाजलतेमनेसरोतुनकांसरदासमागमदजायते सूतवाच्यासंगात ततो जलमारथात्मनगरम जयो सत्नाणदेवसमंजाजयत्यग्रैसेजाग्रम तदैव सद्देवसकृतिपुदमुक्तमनसातूपंसे जगाम नगीयधनिकामृद्यत्तद्दिनेकाशुणं दिव्यं प्राप्तवान् ततः प्रसन्नहृदयेषु गदरीफरत्फरकरागोधूमस्य चोटकं कुटीशम्बादं गृहीत्वा स्वगृहं जजो ततो बन्धुः समावेशकालविधानामृतं तत्स्पृतद्भावायणे धनपुत्रादिभवतेलु मुग्धाज्ञान्ते सत्तफलं जजौ श्रीस्कन्दप्रणवेयखण्डेति हरे वा गंडे सदनाय विद्याम दिव्य ध्यान करार विंदीन पधार विंदम मुखार विंदीन पिनिपीसे अंतम बड़ सपत्र सपुटी जयान अंबाल मुकुंदम मनसाज मरामी अवसरी केण गोविंद हरि मुरारे हे नाद नारायण बाजदेव हरि मुरारी मधुकर हरि निराधरम माम जगदीश रक्षा हे बार बोले भगवान की जय गणेश गजानन भगवान की जय। देवताभ्यो नमः सर्वे देवता हयामि स्थापयामि पूजयामि। चले एक फूल दे दे, एक फूल तो हम ले लें। तृतीयोध्याय पुनरगे प्रवीक्षामि सुमना स्वप्ना पुरा चोलको मुखो नाम चितेन्द्रिय सदिवादे दिनंता जनता संतोदे भारत प्रमुजा सरोज भदना सदी भद्रशीला नदी दस बता कस्मी साधु परिवार नाम सत्सात्रे जगान गणपति विश्वास अपने से साधु बाजा किमतम कुरसी राजन भक्तों तेजा प्रदाजन सामदम राजवाजा पूजन की तेज पाद दया पुत्र दयावा काम क्या भूपस सजरम सुता प्रवा साधरम धर्म पुरे नमा विद्रम हो जाए दिवा प्रण दास आग्रह मांग दो भार रह कदम से नित गायकम तथा प्रथम कशा दिए थे तन से तले लावती दास तथा ले लावती प्राह पत्नी जहादो जब तुम एक अजमी दिवारा ले लावती भक्त दिया नर्मना विवन पिजा से जाता दसवें वास देते हुए नम जाते दुनिया साफ दे उताते नाना गलावती तमाम गर्दम तली लावती सामने मुद्दन में कल उसमें राज संगुदम तेरा साधु वा जब भी पास में तजा करने जब दे इत भाई आज समझा जगना का मती तत्त्व कलाव कितने वर्दी बजे दिशा जगह से प्राम त्रिविधा दी मिलता ये बार दे करने विश्व में जाती ना जूतम कान जन्म दिला मिलता तस्मा जन्म दी पुत्र समाज जो हिम था ज्ञात्र भी बंदी साधन पर दुई दे साधा तो आना साधो कन्या पर विधान था ततो भाविकाते विशिष्टम वसुने विपास मई तसा सेना रुष्टो ध्वजवाचा गाने विषम जाते अपनी जाता से मर जा रत्ना परिगंधा सीधु समेत अपनी जातो श्री मता सुतम जंतु कस्मी वाले सत्ताणी दुर वर्ज महारोग्य प्रसन्न भान दान सब भविष्य एक अस्मिन् दिवसे राजा धनमादाय तत्पश्चात तत्पश्चात अवदाना दुसाभिषे जनिता धनम सत्ता पितृ स्वीकृतम लक्षितम महागारे कारागारे विजात महामाय सद्यो सन्नाग्रही चंद्र केतुना तत्पश्चात बारह ज्योतिया दिन महाजवादी समाज का चिंता प्रसाद भक्षम गृहता यौ रात्रम गृहम वती माता कलावती कन्या कदिया माता पिता पुत्री आश्रम दही कन्या कलावती प्राह मातारम प्रसन्न दुजालय मानसे सिद्धि प्राम चंद दिव्या कनिकागम गुरु ने साज आमद बड़ी भारत सदनाण जब करी जय सज बंदी संज भर जा माता रो सिपाग जे दाम समाधन मर राम नंद ये हरजम समझ दे दी बने दान पुत्रम सदनाण जब दस्या मास समय चंद की जो ने रोज दम निरो तो प्राड ये ध्यान तम सम देयम धर्म सर्वत के दना ने चेतना स्वामी स्वराजान धन पोत्रकम एव भाष्य राजानाम ध्यान तो तथा भगवान में राजे बंधु महाजनाम देवाद प्राज मस्जिद आदि अवंदस मलजास हो आदिकम प्रसाद अनुकम प्रतिशोध प्रतिशोध अपिसावृतम पुराने त्रव्यभ्यम च देगणे कृत दद्वान प्रवाज गदव राजा गच्छो जादो ने आतम राजा नाम प्रद्यापक गंते जब दादा इतुका दो महावैसु जग मतो स्वगृहम पति।
श्री कृष्ण पुराण खंडी सदनायन विद्याम तिथि उद्याय तो कर अरविंदेन बदारविंदम मुखारविंदेन बिन्वी जयंतम पठत भद्रजपुटे शयानम बालमुकुंदम मनसा स्मरामि अवतरिकेण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरि मुरारे मदगढ़ भारे मां जगदीश रज्जा। एक बार बोले बांके वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। असत्य भाषण था भगवान के प्रसाद अवहेलना करने का परिणाम है। भगवान के सामने सत्य बोलिए, असत्य की विजय होती है, असत्य का हर होता है। भगवान के सामने चाहे आदमी सुखिया हो चाहे दुखिया हो, सुख वाला भी आदमी भगवान के पास जाता है और दुख रहता है तो और भी लोग जाते हैं, वो सबको शरण में ले लेते हैं। लेकिन भगवान के नाम सामने सत्य बोलिए। कृष्ण सुदामा में इतनी बड़ी मित्रता थी, लेकिन भगवान सुदामा जो है कृष्ण के सामने जो है असत्य बोले। असत्य बोलने का परिणाम क्या हुआ, वो जिंदगी भर भिक्षा मांगते रहे, मांगते मांगते एक दिन भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान फटकारते नहीं हैं, भगवान वो अपनी शरण में ले लेते हैं। अब किस हालत में कैसे पहुंचते हैं, किसी से भगवान सदा मैं प्रभु जाही को आहे बसे के हिग्रामा और धोती फटी सी लटी दू पटी रूपाया वो पाना हूँ कि नहीं सामा अब द्वार खड़ो दो जा दुर्बल देखी रहे हो चकी सो बसुधाय भी रामा अब पूछत दीन दयालु को धाम बतावत है आपन नाम सुदामा। इस प्रकार से पहुंचता है, मेले को जले बस फन करके द्वारपाल घबरा गया, कैसे कंकाल अवस्था में इतने बड़े आदमी से मिलने के लिए जा रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। दोनों गले से गले मिलते हैं, लेकिन आप बीती है पुरानी बात को भगवान कृष्ण कहने लगे, क्या कहने लगे कि सुदामा से कि आगे चना गुरु मत दे तले तुम चाभी हमें नहीं दीने ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पाए सखा तुम आये दैन की तय दिन खोए पानी पर आतक हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। इतना रोए आँख के आंसू से परात में पानी भरा हुआ है उससे पैर नहीं धो रहे हैं और आंख के आंसू से पैर धोया गया। तो कहने का अभिप्राय है भगवान के सामने सत्य प्रकट करोगे, आपके श्रद्धा भक्ति है, 5 रुपया है 10 रुपया हो चाहे कुछ भी हो, मन में ठान लीजिए उल्टा काम कभी रोकना नहीं चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। मनौती लोग मानते हैं कभी कभी साल 2 साल के बाद कहते हैं चले करें, जब दुख पड़ता है तो याद कर पड़ते हैं और सुख पड़ता है तो नहीं करते, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रयात प्रेम ब्रयात न ब्रयात सत्य में प्रेम, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए अप्रिय, ऐसा भाषा मत बोलिए कि किसी को अप्रिय लगे। तो एक दाने निजारणे ऋषभ सुन गादिया कत्राल दास मजा रति धन साधु दास मंत्र जता भत्या की मृति सुधन जा सकती सम संध्य अग्रजा पटिजा सब हो सती ज्ञा समस्वदा। हम बाद में कहता है जो कुछ में हमने अपराध किया है भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और मुझे क्षमा कीजिए। प्रवाज बदम दंडी बलम गया वहाँ रोधी भोया बन गया महामाग्या दुर्लभ नवेदन भुगता गुंजा समुदाय साधु वाजा तन माया मोहिता सर्वे प्रमाण जल ना जाना अनुभव मूढ़ हमता भुजन मौसम। मैं भगवान आपके सामने मूर्ख हूँ, जो कुछ भी नहीं जानता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, आप महाबुद्धार कीजिए। प्रदोषो जनार्दन सुजने साधन पूजा हिता हर चीज जात पूर्णम के सदी को सदार्थ नाम सजो दैन्य सोदी सनम गिदम साधुर्माता रत्न भूरी मैं दूतिया प्रतिया मास निधि रक्षकम।
ततो असोरन गर्दा साधुर भालो गुरु च प्रभु आज बंदान जे विचार निकने निजा माता जे विदा आग दबंदे वैसा विचार जे विदा चाहे दे तस्या मजित तदा गलावती कन्या ना भिड़ो में जंपते सोगे माता रदंती जाबुद विति जाब ना मिन्याम ता विसे मताज में जानते चिंदा मासा रे बहुता तदा लीलावती कन्या देष्टा विपला भूत बिलपा पादे दुगिने मन जान दिया सत दिवस महावाग्यम गद्दु न सिकति ए तुत्ता विपला से तथा सुजने स तथा लीलावती कन्या गुरुड़ी राजदा तथा गलावती कन्या नस्य श्याम नाम दोगदा गिरिता पादुकी गत सुमोदे कन्या सरतम संति जाव स भारे मृदा अशोके संत्या मासा धनुर्धर हरदेव सत्यव ने भ्रांतो हम सत्य माया असत्य पूजा करी श्याम ऐसा भोविते ए सर्वांश मायुदा गतित्वा मनोरथ नत्वादंडभूमचल सदैव स पुनः पुनः तत्संतुष्टो स देवो दीनानां परिपालक जगाम वचनं चयनो कृपया स्यात् दुःखा प्रसादं कन्यापतिं दर्शनं समागता अतो दिशोता सा कनिका वन्देम लघुवजी सुधा साधो भविष्यदनं संशय कनिका तारस्य वाक्य सुत्ता गगन मंगलादर चिप्रा घमता पूजय प्रसाद साधार दशपति तथा गलावती कन्या जगाम पितरंपति इदानीं जगहं व्याम कृतेकं तन्दुज्ञा कनिका वाक्यं संतुष्टो भूतपणि सुचर पूजनं सद्देव स कृत्या विधिविधान्त धनुर्बंदे साधं जगाम निजमन्दनं पौर्णमास्या संक्रांत जगिता सत भोजन ए लोके सम्मुक्ता जानते सत परम जय हो श्री यजगम पुराणे वाखंडे सतनाम विद्याम चतुर्दोध्याय प्रकार अरविंदेन वदारविंद मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं पटभद्रज पटिशयानं बालमुकुंदं मनसात्मरामे अवसरिकेण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकुडवारी नीराजिम्मां जगदीश रक्षा अधरं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं एक बार बोले भाग वृंदावन बिहारी लाल की जय विष्णु भगवान की जय गणेश गजानन भगवान की जय आवाहि देवताभ्यो नमः सर्वे देवता यामि स्थापयामि पूजयामि आदि पंचमध्याय अधान्य च प्रवेक्षामि श्रमण सतना आसीत् तुंगद राजा प्रजा पालन प्रजा प्रसाद सदैव दुग्धा भक्ता एक जागदा आगदस पट मूल सदसा भोजनम गोपागर संतुता भक्त दुग्धा सम्मान वा राजा दिशा दर्पेण न गतो नमाम स तद गोपगण सर्वे प्रदास निपसंद तत्पसा पुरा गद भुक्ता सिद्धम तत्प्रसा सद्य राजा दुखाभ तत्भुजनम ज धन धान्य अग्दम सदैव सर्वतम नाशितम अगर सोगच्छामि सदैव सभोजनम मनसा तो विनिश्चय गोपाल सन्निधौ तथोसु सद्देव स पूजा गोप गणेश भक्ति श्रद्धा भक्ता जकार विधान सद्देव से प्रताप धन पुत्रा भूत एलोता जानते सतपुरम जय हो इदं कुरुते सत्प्रदं परं दुर्लभं प्रणतग्रापुण्यां भोक्तुद्धा प्रभदां धन धान्यादस्य भोक्तृप्रसादुर्लभते वित्तबन्धो मुचेत् बन्धान्धविधो सत्मेव सञ्चय चिप्रमुक्ता चान्ते सत्प्रं व्रजेदः इद्वगतं विप्रा सत्नान् चाव एकतासोद्वान्म विशेष कलयुगे सद्पूजा फलद्वागे जीकालबन्धे सद्मे सन्तमेव च सद्नामके जिद सद्देवं तावरे नानारौदर्वक्ता सर्वेषां विजिप्लं भोजति सत्पि सनातन श्रीभिषां सर्वेषां विजिप्लं य इदं प्रतिनित्यं सुनन् मत्ता प्रसन्न सन् पापानि सद्देव स प्रसाद व्रतं के सुपूर्ण सत्तासाम परम नानक नजरा सदानंद महाप्राज्ञा सुधामा ब्राह्मण तस्मी जुनाम के हम धाम कर्ण भार भो वे लोग राज तस्मिन् जन्म श्री राम से ब्रह्मोक्षम जगाम उल्का मुखो महाराजा नृपो दशरथो अभूत अश्रीना संभुज वैकुंठम तदागम धार्मी सद्यता मोहरा द्वैता मोक्षम अतुंगजो महाराजा स्वामभुज सर्वान् भागदाम गीता वैकुंठम तदागम भूत गोपाल सर्वे ब्रजमंडल वासने सर्वान् गोलोकम तुदायो विष्णु भगवान का सबसे सच्चा और अच्छा भक्त कौन है मोरधर जो राजा जो है देखिए लड़के का लोग पालन पोषण करते हैं खिलाते हैं डुलाते हैं बुलाते हैं लड़का जिस प्रकार से बोलता है इस प्रकार से बोलना पड़ता है लेकिन मोरधर जो राजा आओ न देखा न ताओ देखा सीधा अपने लड़के की याद ही दें आरे से चीर करके भगवान विष्णु को चढ़ा दिया इस प्रकार से उसको देखिए मुरधर्ज राजा को वैकुंठ प्राप्त हो गया और लड़के को जिंदा कर दिया और जो गोपगण थे जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपी हुए थे वो भी
सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान शाश्वत धम्मलोक को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण पुराणे वाखंडे सत्तायां विदाम पंचम अध्याय भगर अरविंदे ने पदार विंदम मुखार विंदे ने विनिंदम भट भद्र से बुटे सयानम बालम गुणम बलताम स्वामी हे गण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मकट हरे मेरा ब्रह्म जगदीश अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम मधुराद पते रखिलम मधुरम। एक बार बोले भाग वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानंद भगवान की जय। देवताभ्यो नमः। सर्वे देवता वयामि अस्थापयामि पूजयामि। ये फूल ले चला, तीन और फूल सजाएगा ऊपर और कपूर ले चला, आग जलावा हवन होया। चोरी वगैरह फूल लग चुका हमने ला, और एक जने हवन करे बदे घी एक हवन, एक जने बुला ले के होते हवन करे बदे घी एक हवन करे बदे बुला। और घीया है क्या माचिस ले जा, कपूर वही टूचे में धाई के जलावा इस फुलवा जोन बचाए हरियाली लगाए जने ऊपर जगह जगह रखा चला जाओ। और ऊपर साइड में दबाए देवा करें ना।